हेलो गाइस, क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। पॉलीमरेज थर्ड जो आरएनए होता है उसका हमें रोल बताना है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। जब यूकेरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए बनता है तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या रोल होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए। क्या ये राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है जो कि 28S, 18S और 5.8S आरएनए होता है? ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये काम तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होता है। किसका? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यही काम पॉलीमरेज थर्ड का होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगले पढ़ लेते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकर्सर ऑफ एमआरएनए, ये भी गलत है, और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए, ये भी गलत है। सिर्फ एसएनआरएनए का थोड़ा ही करता है, साथ में टीआरएनए और 5S आरआरएनए का भी करता है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। थैंक यू।